मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी कामकाज संभालते ही किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन सरकार संभालने के दूसरे दिन ही गहलोत सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। जो डिफॉल्टर है, जो पहले भर नहीं पा रहे मजबूरी के कारण से, उनके लिए 2 लाख तक का सरकार उनका कर्ज माफ करेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें कर्ज माफी की घोषणा कर चुकी हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों से लिए गए कर्ज को भी पूरी तरह से माफ करने का ऐलान कर दिया। समस्त लोन माफ करेंगे, कोऑपरेटिव जितने भी हमारे ऋणी हैं उन सबका समस्त लोन माफ होगा। गहलोत सरकार के कर्ज माफी के फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही कांग्रेस को सियासी फायदा मिलने का भी दावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, जिसके तहत सरकार ने 30 नवंबर 2018 तक लिए गए कर्ज को माफ करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से करीब 47 लाख किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि इसकी वजह से सरकार पर 18,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन 2019 चुनाव देखते हुए गहलोत सरकार ने भी सोच विचार के बाद यह कदम उठा लिया। राज्य सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि काम पूरा हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने किसानों का कर्ज माफ किया, हमने 10 दिन मांगे थे, हमने 2 दिन में कर दिया। वहीं राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा किए गए वादे के अनुसार हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। लेकिन राजस्थान में कर्ज माफी के मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ गया। चुनाव के बाद कर्ज माफी की शुरुआत मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने की, जिसके बाद असम और गुजरात की बीजेपी सरकार ने कर्ज माफी और बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। लेकिन इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को तंज कसने का मौका मिल गया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को गहरी नींद से जगा दिया है, लेकिन पीएम अब भी सो रहे हैं, हम उनको भी जगाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के इस हमले का जवाब नीति आयोग ने दिया। कोई भी सरकारें और केंद्र सरकार भी कभी इस राहुल गांधी जी के कहने पर, मैं माफी के साथ कहता हूं कि वो ऐसा नहीं होता। किसानों के हक में इस सरकार ने जितना काम किया है और जितना उन्होंने किया वो मेरे ख्याल में कभी भी किसी और सरकार ने इतना नहीं किया। इससे पहले राहुल गांधी केंद्र सरकार से कर्ज माफी की मांग कर चुके हैं। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सियासी दलों के बीच घमासान मच गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने पीएम पर ताबड़तोड़ हमले किए और पूरे देश में किसानों के कर्ज माफी के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा और न चैन से सोएगा न मोदी सरकार को सोने देगा जब तक हिंदुस्तान में किसानों का कर्जा माफ। वहीं इस मामले में आरजेडी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए पीएम पर हमला बोला। मैं समझता हूं राहुल जी की पार्टी ने एक बार सेट किया मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, उस बार के अनुरूप उन्होंने वो बयान दिया है और नहीं सोने दूंगा, ये मुहावरा है। प्रधानमंत्री जी को तो स्वयं भी नहीं सोना चाहिए, जब मुल्क में इतना हाहाकार हो किसी को कैसे नींद आ सकती है। लेकिन बीजेपी ने विरोधियों के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और यूपीए सरकार का काम याद दिला दिया। राहुल गांधी जी को एकदम अचानक जो है वो सोते सोते सपने में किसानों का प्यार उबला है। जरा राहुल गांधी जी को हम बिना मांगी सलाह देना चाहते हैं कि जरा वो 10 सालों का अपना इतिहास देख लें।